हेलो दोस्तों, मेरा नाम वीरेन बिष्ट है। मैं उत्तराखंड से हूँ, अल्मोड़ा जिले से, सियालदह ब्लॉक से। तो मैं आज कुछ आपके लिए पंक्तियाँ लेके आया हूँ जो कि इस प्रकार हैं, ठीक है। तो इनको समझने की कोशिश करना, ये मैंने खुद लिखी है, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट। टेक सम रेस्ट, डोंट कॉल एनी गेस्ट। टेक सम रेस्ट, डोंट कॉल एनी गेस्ट। इंजॉय योर होम फेस्ट, इंजॉय योर होम फेस्ट। डोंट हैव एनी आउट गोइंग जेस्ट, डोंट हैव एनी आउट गोइंग जेस्ट। दिस इज आवर लाइफ सेविंग टेस्ट, दिस इज आवर लाइफ सेविंग टेस्ट। सो बी इन योर नेस्ट, सो बी इन योर नेस्ट। दिस इज द इंटायर वर्ल्ड रिक्वेस्ट, दिस इज द इंटायर वर्ल्ड रिक्वेस्ट। सो प्लीज स्टे एट योर होम, ओके। यू हैव थ्री चॉइस, ओके। यू हैव, या वी कैन से डैट वी हैव थ्री चॉइस। या तो हमें घर में रहने से सुरक्षित रह सकता है, अगर बाहर जाएंगे तो हमें मे बी कोरोना डिजीज़ फैल सकती है, तो मे बी हम हॉस्पिटल में जाएंगे। और अगर हम हॉस्पिटल में चले गए, अगर हमारा ट्रीटमेंट सही से नहीं हुआ, तो मे बी हम लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है, हम लास्ट में फ़ोटो फ्रेम में आएंगे। सो तय आपको करना है, ठीक है। मोदी सरकार तो अपना काम कर ही रही है, तो तय आपको करना है। हर जगह मोदी सरकार आपको अलर्ट करने नहीं आएगी, जितना उनके हाथ में है वो उतना कर सकती है, लेकिन आप इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हो। प्लीज़ इसको गाइस सीरियस ले लो। अगर ये यहाँ पे आ गई उत्तराखंड में, कह सकते हो, या फिर इंडिया में अगर ये पहुँच गई ना, तो सोचो बहुत ही हड़कंप मच जाएगा। जैसा कि आपको पता है चाइना में कैसे हालात हो रहे हैं, अभी इटली में कैसे हालात हो रहे हैं। अब वहाँ पे देखो, इतनी अच्छी हॉस्पिटलाइज सेवा के बावजूद वहाँ के प्रधानमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए। तो आप सोच सकते हैं उत्तराखंड में या फिर इंडिया में, सोचो डेंगू मलेरिया इनके इलाज नहीं है, इसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, ठीक है। तो सोच सकता है अगर ये वायरस यहाँ पर आ गया, गलती से फैल गया, तो सोचिए यहाँ पर मतलब कुछ कह नहीं सकता, आप कुछ इसका अनुमान लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू मेरी दो बातों को सुनने के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।